जरा सोचिए, मेहनत के बावजूद, काबिलियत के बावजूद, कोशिश के बावजूद आपने वो मकाम क्यों हासिल नहीं किया, आप दौलतमंद क्यों नहीं बने? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है? अमीर में और गरीब में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूं 5 पॉइंट्स, 5 नुक्ते, गौर से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव दे क्रिएट देयर लाइफ, व्हेयरएज पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू देम। यानी अमीर इंसान या दौलतमंद इंसान या कामयाब इंसान ये बिलीव करता है, उसका ईमान और अकीदा होता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद तख्लीक करता हूँ, खुद बनाता हूँ। जबकि वो शख्स जो नाकाम होता है, जो अपने आप को गरीब कर रहा है, वो ये समझता है तकदीर उस पर हावी है, जो कुछ हो रहा है वो उसके इख्तियार में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। दूसरा नुकता, सेकेंड पॉइंट, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, वेयर एज पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। अच्छा, बात बड़ी सेम लगती है। एक शख्स जीतना चाहता है, एक शख्स चाहता है मैं ना हारूं, मगर दोनों में फर्क है। जब इंसान का फोकस विनिंग के ऊपर होता है, जीत के ऊपर होता है, तो वो जीतता है। इसकी वजह यह है कि माइंड का एक प्रिंसिपल है, जिस चीज पर, जिस सोच पर इंसान फोकस करता है, तवज्जो करता है, मरकूज करता है अपनी तवज्जो, वो बढ़ती है। तो जब एक कामयाब आदमी खेलता है, कारोबार करता है, जिंदगी के अंदर जिद्दोजहद करता है, ये सोच के वो जीतेगा, वो जीत जाता है। जबकि दूसरा शख्स इस डर से कि मैं हार ना जाऊं, तो उसका फोकस किस पे है? हार पर है, लूजिंग पर है, तो वो हार। तीसरा नुक्ता, तीसरा पॉइंट, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, व्हेयरएज पुअर पीपल आर नॉट कमिटेड टू बीइंग रिच। क्या बात है, हर इंसान को जिंदगी में कामयाबी चाहिए। क्या वजह है कि वो जो कामयाब लोग हैं वो टोटली कमिटेड होते हैं कि हमने कामयाबी हासिल करनी है, हमने अमीर बनना है, हमने दौलतमंद बनना है। और जो शख्स नहीं चाहता वो रिच नहीं होता, पुअर होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में समझाता हूं, असल चीज जिंदगी में कमिटमेंट होती है। कई लोगों को खौफ ये होता है कि वो दौलतमंद होंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बिलीफ जो हमें माशरे से मिलते हैं, दौलत आपका मैल है, दौलत जब आती है, कामयाबी आती है, तो मोहब्बत चली जाती है, बीमारियां आ जाती है, वगैरह वगैरह। दौलत बुरी नहीं है, दौलत का इम्तिहान जो है वो बहुत बड़ा होता है, और इंसान जब दौलत या कामयाबी के इम्तिहान पे पूरा उतरता है तो उसका इनाम बहुत बड़ा। तो ये कमिटमेंट अपने आप से करना होगा आपको, अगर आपने कामयाब होना है, कि मेरा कमिटमेंट है कि आज मैं जाऊं वहां से किसी और मकाम पर पहुंचूंगा, दौलतमंद भी होगा, रिच भी। चौथा नुक्ता, फोर्थ पॉइंट, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अब इसमें अगेन हमारे माशरे में जिस किस्म का माहौल होता है, उस लिहाज से हमारी जहन के माइंडसेट या परसेप्शन बनता है। जब इंसान छोटा सोचता है तो उसकी सोच भी छोटी होती है और उसे मिलता भी छोटा है, और जो शख्स बड़ा सोचता है उसे मिलता भी बड़ा है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी होती है। आपको और मुझे नहीं पता कि हमारे तकदीर में क्या लिखा है, कितने खजाने हैं, कितनी कामयाबी है। जब तक आप छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा, तो गुमान बड़ा क्यों नहीं करना? उसके खजाने में तो कोई कमी नहीं है। आप अपने डर की वजह से छोटा सोचते हो, या आपके अंदर काबिलियत या सलाहियत तो है मगर आप डरपोक। ऑलवेज थिंक बिग एंड थिंक इन पिक्चर्स, इमेजिन करें जो चाहते हैं आप, तो कुदरत आपको आता है। पांचवा नुक्ता, रिच पीपल आर बिगर देन द प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन द प्रॉब्लम्स। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, अमीर से अमीर आदमी भी जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करता है, गरीब से गरीब भी करता है, कामयाब भी करता है, नाकाम भी करता है, मुफलिस भी करता है, हर इंसान को जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अच्छा, जब आपकी ये सोच हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम से बड़ा हूं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। मगर जब आपकी सोच हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसका मतलब मैं छोटा हूं। देखिए ना, जहन की दुनिया का यही तो कमाल है। जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा समझते हैं तो आप उसके सामने प्रोपोर्शनली छोटे हो जाते हैं। जब आप किसी चीज को छोटा समझते हैं प्रोपोर्शनली आप उसके सामने बड़े हो जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम जिंदगी में जो आती है वो आपकी जात से बड़ी नहीं है, आपसे छोटी है, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत है हर प्रॉब्लम को टैकल करना, सॉल्व करना, हर मुश्किल को जीतना, हर चैलेंज का सामना करना। सिर्फ ये सोचें कि आप
उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। होप करता हूं कि आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे और ये श्योर हूं, यकीन है मुझे कि आप कामयाब होंगे। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के राज क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके क्या है, ताकि जिंदगी में जब प्रॉब्लम आए कॉन्फिडेंस से आप उन प्रॉब्लम को खत्म। मेरी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जो भी नई वीडियो आएगी आपको पहले पता चल जाए।